और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। नई संसद की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की गई है। एनएसजी की टीम ने मॉक ड्रिल की है। नई संसद की छत पर एनएसजी के जवान उतरे, हेलीकॉप्टर से एनएसजी के कमांडोज उतरे और फिर मॉक ड्रिल की गई। इसकी सुरक्षा को लेकर, नई संसद भवन की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की गई है। ये देखिए तस्वीरें भी आप तक हम पहुँचा रहे हैं। जो नई संसद भवन की छत है उस पर हेलीकॉप्टर से कमांडोज उतरे हैं, एनएसजी कमांडोज, एनएसजी जवान, और उसके बाद ये मॉक ड्रिल की गई है। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये मॉक ड्रिल की गई है जो कि सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत अहम कदम है। जी बिल्कुल, देखिए जो नई संसद है उस पर अब से एक घंटे पहले एनएसजी के द्वारा मॉक ड्रिल की गई है। बड़ी संख्या में जो एनएसजी के जवान थे वो बकायदा चौपर के जरिए वहां तक पहुंचे हैं और नई संसद पर चौपर से नीचे लैंड करते हुए उतरते हुए साफ तौर पर जो एनएसजी के जवान है वो देखे जा सकते हैं। ये जो मॉक ड्रिल है दरअसल एक हफ्ते पहले तय कर ली गई थी और उसी के हिसाब से इस मॉक ड्रिल को किया गया है। और इस मॉक ड्रिल में जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस का भारी घेरा था, अंदर पार्लियामेंट सिक्योरिटी तैनात थी और साथ ही एनएसजी के जो जवान थे वो चौपर के जरिए यहाँ से पहुंचे हैं। इसके अलावा दिल्ली की कई और बहुमंजिले इमारतें हैं जहां पर इस तरीके की मॉक ड्रिल की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन आज पार्लियामेंट ने एक बार फिर से, अब से कुछ दिन पहले भी जब G20 चल रहा था उस दौरान G20 से पहले इसी तरीके की मॉक ड्रिल पार्लियामेंट पर की गई थी और आज फिर से ठीक वही मॉक ड्रिल पार्लियामेंट पर फिर से दोहराई गई एनएसजी के द्वारा। जी शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए आपका। इधर पश्चिम बंगाल से खबर है जहां संदेश खाली में एनएसजी जांच जारी है। संदेश खाली में विस्फोटक हथियार मिलने की खबर है। रोबोट की मदद से एनएसजी की जांच जारी है। आज सीबीआई की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी में हथियार मिलने की खबर सामने आई है जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। संदेश खाली से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इस पूरे छापेमारी में रोबोट की मदद ली जा रही है। देखिए रोबोट किस तरह से वहां पर मौजूद सामान बरामदगी की तस्वीरें कैद करता हुआ इस वक्त देखिए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एनएसजी की जांच चल रही है और उसी जांच के बाद की ये तस्वीरें जहां पर रोबोट से मदद ली जा रही है विस्फोटक और हथियारों को बरामद करने के लिए। रोबोट की मदद से इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। एनएसजी इस पूरी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए पूरी एहतियात बरत रही है कि कोई धमाका ना हो जाए, कोई विस्फोटक जिसकी वजह से जानमाल का नुकसान ना हो जा रहा है। इसी वजह से एहतियातन रोबोट की मदद एनएसजी ले रही है इस पूरे अभियान में, इस पूरे छापेमारी में जिसमें हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने की जानकारी सामने आई है। तो आज दिन भर से टीएमसी नेता के करीबी के घर पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर खबर सामने आई थी और उसके बाद एकाएक सूचना मिलने पर एनएसजी के कमांडोज, एनएसजी की पूरी टीम यहां पर पहुंच गई है क्योंकि खबर आई है यहां से कई विदेशी हथियारों की बरामदगी को लेकर। अब तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है संदेश खाली से जो सीधी तस्वीरें सामने आ रही है, कई विस्फोटक और हथियार मिलने की सूचना मिली है जिसके बाद यहाँ पर रोबोट का इस्तेमाल बकायदा किया जा रहा है इन हथियारों को बरामद करने के लिए। तो आगे भी संदेश खाली का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।